हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि जेपी यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ते हैं एप्लीकेशन या प्रोविजनल सर्टिफिकेट या मूल प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट के लिए आपको अप्लाई करना है तो ये अप्लाई कैसे करेंगे, कैसे आपको ये सर्टिफिकेट मिलेगा, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और दिखाते हैं क्या है प्रोसेस। सबसे पहले अपने दोस्तों ब्राउजर में हम यहाँ टाइप करेंगे और लिखेंगे जेपीयू सर्टिफिकेट। यहाँ मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ फर्स्ट में ही आपको ये इसका वेबसाइट जो कि आ जाएगा जेपी यूनिवर्सिटी का। दोस्तों ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा पेज ओपन हो जाएगा जेपी यूनिवर्सिटी का। इसी में दोस्तों हमको सभी डाटा फिल करना है। दोस्तों इसका वेबसाइट जो दिए गए है jpu.gsbihar.online, ये वेबसाइट है ऑफिशियल। इस पर आपको आकर ये अप्लाई करना है जेपी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट या प्रोविजनल या माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। ये कैसे मिलेगा ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए वीडियो को एक एक स्टेप में भरकर बताता हूँ क्या क्या भरना है। दोस्तों फर्स्ट में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा जो कि आपकी मार्कशीट पे मिल जाएगा, वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है। यहाँ आपको रोल नंबर डालना होगा, उसके बाद यहाँ अपना नाम डालेंगे। यहाँ हिंदी में आपको नाम डालना होगा। यहाँ दोस्तों हिंदी में लिखने के लिए आप गूगल ट्रांसलेट का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ जेंडर आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ आपको ईमेल आई डालना होगा, मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोविजनल या माइग्रेशन जो भी चाहिए आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं मुझको यहाँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है तो मैं यहाँ प्रोविजनल सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपको जो भी करना होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ आपको कोर्स का नाम देना है, किस ऑनर्स से हैं आप, क्या हिस्ट्री ऑनर्स है या क्या है। यहाँ आपको दिया गया सैंपल इसी प्रकार आपको लिखना है। यहाँ कॉलेज या डिपार्टमेंट का नाम लिखना है। यहाँ सेशन अपना लिखेंगे जो भी आपका सत्र होगा, इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ ईयर ऑफ पासिंग लिखेंगे। उसके बाद डेट ऑफ रिसीव यहाँ जो दिया गया इसी से आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ डाटा फिल कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ कैसे यहाँ डेट सेलेक्ट होगा। उसके बाद यहाँ आप कैसे कलेक्ट करना चाहते हैं, बाय पोस्ट या सेल्फ, तो यहाँ सेल्फ ही आपको रहने देना है। उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेव एंड पेमेंट पर। तो मैं यहाँ डाटा फिल करके दिखाता हूँ बारी बारी से सभी को। यहाँ दोस्तों मैं हिंदी में नाम लिख लेता हूँ। लिखने के लिए दोस्तों मैं यहाँ गूगल ट्रांसलेट का यूज करने वाला हूँ। दोस्तों मैं यहाँ लिख लेता हूँ ऑनलाइन इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्टर, इसको लिख के मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। यहाँ दोस्तों आपको hindi.changhati.com इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ दोस्तों अच्छा से हिंदी आपको कन्वर्ट यहाँ मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ जो मेरा नाम है लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ हिंदी ऑटोमेटिक यहाँ सही आता है, और नहीं आता है तो आप नाम पर ही क्लिक कीजिएगा तो आपको सही ऑप्शन यहाँ दिखाई देने लगता है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ दोस्तों सभी डाटा फिल हो चुका है और यहाँ डेट ऑफ रिसीव का यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ जो हरा कलर का है वही एक महीना बाद का यहाँ डेट दोस्तों सेलेक्ट होता है। आपको इसी में से आपको एक डेट सेलेक्ट करना होगा, इसी डेट पर आपको जाकर यूनिवर्सिटी से लेना होगा दोस्तों। लेकिन ये डेट पर मिलता नहीं है, यहाँ आपको सेल्फी कलेक्ट रहने देना है। उसके बाद सेव एंड पेमेंट पर हम क्लिक करते हैं। अब इसका पेमेंट हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ से आप एक बार रिव्यू कर लेंगे, चेक कर लेंगे सभी डाटा को। उसके बाद सेव एंड पेमेंट पर क्लिक करेंगे और पेमेंट कंप्लीट करेंगे। मैं यहाँ पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ आपको क्लिक करने के बाद यहाँ डी वांट टू सबमिट, इसके बाद यहाँ यस करना होगा आपको। यस करने के बाद दोस्तों पेमेंट लिंक पर ले जाएगा, तो मैं यस कर देता हूँ। यस करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पेमेंट ट्रांसफर वाला में यहाँ लिंक आपको दिखाई देगा। क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड दिया है, रुपये डेबिट कार्ड, रुपये क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग और यू पी आई भीम क्यू आर कोड। तो उसे किसी भी आप माध्यम से कर सकते हैं। तो मैं यहाँ डेबिट कार्ड से ही कर देता हूँ अपना पेमेंट। यहाँ दोस्तों मेरा पेमेंट प्रोसेसिंग में है और मेरा यहाँ पेमेंट कंप्लीट हो रहा है। इसके बाद यहाँ दोस्तों फिर से आपको ओके कर देना है। यहाँ दोस्तों मेरा पेमेंट सक्सेसफुल ले लिया और इस प्रकार यहाँ रिसीविंग मेरा जनरेट हो चुका है। दोस्तों इसी रिसीविंग को आपको जब डेट मिला है, जो डेट मैं दिखा रहा था उसी डेट पर आपको लेकर जाना है, या उसके बाद भी आप जा सकते हैं। लेकिन उस डेट पर दोस्तों जेपी यूनिवर्सिटी में जल्दी मिलता नहीं है। आपको इसके बाद भी डेट दिया, उसके बाद भी आपको कई बार चक्कर लगाना होगा। इससे अच्छा होगा आप किसी से बात कर लीजिएगा और वहीं आपको उनसे बात करके कांटेक्ट करके ही आप जाइएगा और निकलवा कर रखेंगे, तब आप जाकर ले लीजिएगा, कोई अपना सेटिंग कर लीजिएगा। तो इसको आप प्रिंट कर लेंगे। दोस्तों सर्टिफिकेट जब लाने जाइएगा तो आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए, तभी आपको वहाँ यह सर्टिफिकेट मिलेगा। या आप एडमिट कार्ड भी लेकर जाइएगा और साथ में आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी पैन कार्ड, आधार कार्ड, जो भी आपके पास होगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।